लेफ्ट साइड भी ना ये ई रिक्शा वाला बहुत पास पास ला रहा है, तो इससे बड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चलना पड़ रहा है। अब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन होती है कि अगर आप, मैं सोच रहा था लेन ना चेंज करूँ अपनी, इसीलिए बलेनो के पीछे पीछे चलते हैं। और ये देखो भाई, अगर लेफ्ट साइड कोई व्हीकल नहीं आ रहा तो हम इजिली जो है लेफ्ट साइड जाके बलेनो को क्रॉस कर सकते हैं। और ये देखो भाई, और देखिए फ्लाईओवर पे जब भी हम ड्राइव करते हैं, जब अपनी गाड़ी को स्ट्रेट ऐसे ले जाते हैं, तो थोड़ा सा एक एक्सेलरेशन करते हुए ले जाएंगे। और ये देखो आराम से भाई थर्ड गियर पे है हमारी गाड़ी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं ड्राइव विद अंकित। पेश आपके लिए एक और वीडियो। और गाइस आज हम ड्राइव करने वाला हमारा जो है पूरा ड्राइविंग ट्यूटोरियल रहेगा, और साथ ही साथ हम देखेंगे कैसे हमें अपना क्लच ब्रेक एक्सेलरेशन कंट्रोल करते हुए ड्राइविंग करनी है। ड्राइविंग जो होने वाली है वो ट्रैफिक में ड्राइव करने वाले हैं। ट्रैफिक काफी ज्यादा मिलने वाला है, ठीक है, मतलब मूविंग ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिलेगा। हम मतलब जो कहते हैं ना कि जो सबसे ज्यादा डेंस और ट्रैफिक वाले एरिया, वहां पे ड्राइव करने वाले हैं। तो किस तरह से हम ड्राइव करेंगे, किस तरह से हमारा पूरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहेगा, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ताकि आप उसे देख के अपनी ड्राइविंग जो है इम्प्रूव कर सके, एनहांस कर सके, और आप भी मेरे जैसे अच्छे से ड्राइव कर सके। सो गाइस वीडियो जो है पूरा लास्ट तक देखिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल कर लीजिए फटाफट से सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं ऐसे ही कार्स और ड्राइविंग से रिलेटेड वीडियोस जो कि इम्प्रूव करते हैं आपकी ड्राइविंग को। सो गाइस चलिए फटाफट से जो अपनी ड्राइविंग शुरू करते हैं। मैं मूव करता हूँ राइट साइड, तो ये देखो भाई राइट साइड मैंने मूव कर लिया है। अब यहाँ से जो है आगे चलेंगे, और ये देखो अभी आगे ना थोड़ी ढलान आने वाली है, स्लोप आने वाला है ऐसे, तो स्लोप पे कैसे ड्राइव करेंगे। देखिए ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल क्लच दबा दें और गाड़ी हमारी फ्रीली मूव करती चली जाए, ऐसा नहीं करना है। क्लच पे ही हम देखिए ड्राइव करेंगे, और क्लच सेकंड या थर्ड गियर पे रहेगा, और आराम से देखिए ये देखिए इस तरह से एक्सेलरेशन करेंगे और ड्राइव कर लेंगे। अगर ज़रूरत होगी गियर अप करने का तो देखिए अप करा है, अब एक्सेलरेशन करेंगे। और आगे देखिए दिख रहा है फ्लाई ओवर, तो फ्लाई ओवर से ही चलते हैं। अंदर से भी रास्ता है, बट लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ। तो ये देखो भाई फ्लाई ओवर पर चलते हैं, और देखिए फ्लाईओवर पे जब भी हम ड्राइव करते हैं, जब अपनी गाड़ी को स्ट्रेट ऐसे ले जाते हैं, तो थोड़ा सा एक एक्सेलरेशन करते हुए ले जाएंगे। और ये देखो आराम से भाई थर्ड गियर पे है हमारी गाड़ी, आराम से ड्राइव करेंगे। सिर्फ एक्सेलरेशन कर रहा हूँ और एक्सेलरेशन से अपनी गाड़ी को ले जा रहे हैं। ओआरवीएम आईआरवीएम अच्छे से सेट कर लिए, ताकि विजिबिलिटी जो हमारी कहीं से ब्रेक ना हो, प्रॉपर विजिबल हो चीज़ें और हम आराम से ड्राइव कर सकें। तो ये देखो भाई इस तरह से ड्राइव करते हुए चलेंगे आगे। फ्लाईओवर पे जो है सिंगल मूविंग ट्रैफिक होता है, तो उधर से कोई आएगा नहीं, इसलिए हम राइट साइड भी आराम से ड्राइव करते हुए चलेंगे। अब देखिए मिड पार्ट आ गया फ्लाईओवर का, यहाँ पे जो है स्पीड अपनी कंट्रोल करेंगे। अब आगे से थोड़ा इंक्लाइन स्टार्ट हो जाएगा, तो इंक्लाइन पे हमें कैसे जाना है कि हम सेम वही यूज करेंगे क्या, क्लच नहीं दबाना पूरा। अगर हम यहाँ पे क्लच दबा देंगे ना, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे क्लच दबाया तो भाई मेरी स्पीड जो है इंक्रीज होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चलेगी, जो कि हमें नहीं करना है, क्योंकि फिर गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। हम सिंपली यहीं से एक्सेलरेशन देंगे और इस तरह से हल्का हल्का कंट्रोल करते हुए चले जाएंगे। थर्ड गियर है, आगे ट्रैफिक में मर्ज होना है, राइट साइड ही मैं रहूंगा। ओवरवीएम पे देख लिया राइट साइड पे कोई नहीं आ रहा है, हल्का सा राइट साइड गए टिल्ट करते हुए, और इस तरह से ड्राइव करूंगा। अब देखिए यहाँ क्लच दबाया, सेकंड गियर लगाया, स्पीड कम हो गई, तो सेकंड गियर पे उठाएंगे गाड़ी और चलेंगे आराम से। ये देखो भाई इस तरह से ड्राइव करेंगे और चलेंगे। अब ये देखो यहाँ पे क्या है ना कि लोडर के पीछे ही चलना पड़ेगा अभी। ये देखो भैया साइकिल इधर से आ रही है, तो भाई अगर कोई रॉन्ग साइड से आ रहा है ना और ऐसे डायरेक्शन से निकलता है, तो बड़ा मतलब दिक्कत वाला, प्रॉब्लम वाली सिचुएशन होती है। कई बार पैनिक हो जाते हैं, या कई बार मान लो मेरी स्पीड ज़्यादा है, मैं ना ब्रेक वगैरह कर पाया, तो हिट भी हो जाते हैं। अब देखो मैं लेफ्ट साइड आया हूँ, लेफ्ट साइड धीरे धीरे मूव करते हुए निकालूंगा ट्रैफिक में अपनी कार। तो ये देखो भाई थोड़ा सा ब्रेक मारा, उसके बाद सेकेंड गियर पे था, उठा दिया, तो ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। ये देखो हॉर्न करते हैं ताकि ये स्कूटी निकल जाए, और फिर हम जो है थोड़ा इससे आगे निकल के आगे ट्रैफिक में मर्ज होंगे। आगे बहुत आगे ना लाइट दिख रही है, जो कि सिग्नल है रेड, और आगे है विजयनगर चौराहा। तो अभी इसी स्पीड से चलेंगे, क्योंकि आगे भी रेड लाइट है, तो धीरे धीरे चलेंगे। जब तक हम पहुंचेंगे, क्या पता ग्रीन लाइट हो जाए, तो हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आप पहले से देख सकते हो, पहले से देख के उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो अभी इसी स्पीड से चलेंगे आगे पीछे बलेनो के चलते हुए आराम से। और ये देखो भाई हल्का सा एक्सेलरेशन करा, थर्ड गियर पे ही ड्राइविंग कर रहे हैं अभी, और ये देखो सिग्नल पे आ गए, और भाई यहाँ सिग्नल है रेड, और जो कि थोड़ा काफ़ी ज़्यादा टाइम तक लगेगा, क्योंकि अभी ट्रैफिक उतना है नहीं, मुझे लगता है वेट काफ़ी करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम राइट मुड़ के ना थोड़ा इधर उधर जाके ट्रैफिक से बच सकते हैं ये वाली सिग्नल से, और फिर मैं आगे से उसी रोड पे मर्ज हो जाऊंगा। सोच रहा हूँ जाऊँ ना जाऊँ, चला ही जाता हूँ यार, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए भाई।
ट्रैफिक में सोच रहा हूँ मोड़ लूँ कि ना मोड़ूँ यार, डिसीजन नहीं हो पा रहा। चलो मैं सोच रहा हूँ आगे से ही चलता हूँ यार, क्या करना है, थोड़ा टाइम और लगेगा लेकिन निकल जाएंगे इजीली। अब ये देखो बगल से ना इग्निस आ गई, तो भाई अब यहाँ जो है थोड़ी देर वेट करेंगे जब तक जो है सिग्नल ग्रीन नहीं हो जाता है, तो जैसे ही सिग्नल ग्रीन होता है उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो गाइस सिग्नल जो है ग्रीन हो चुका है। अब देखो ट्रैफिक में ना गाड़ियाँ कितनी पास पास खड़ी हुई है, मतलब हमें ऐसा लग रहा है बहुत कंजेस्टेड स्पेस है, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये देखो बलेनो के पीछे पीछे चलूंगा मैं, हल्का हल्का क्लच रिलीज कर रहा हूँ जिस हिसाब से जितना गाड़ी बढ़ाना है, उसके बाद फिर से क्लच दबा ले रहा है ताकि गाड़ी ज़्यादा स्पीड ना बढ़ाए और अचानक से आगे ना निकले। राइट साइड का इंडिकेटर दे देता हूँ ताकि पीछे वालों को पता चल जाए कि मुझे आगे नहीं राइट साइड टर्न होना है। और ये देखो भाई ये बलेनो थोड़ा आगे आगे निकाल लेना तो फिर मैं प्रॉपरली निकाल लूँ। मैं सोच रहा था लेन ना चेंज करूँ अपनी, इसीलिए बलेनो के पीछे पीछे चलते हैं। और ये देखो भाई इसी के पीछे पीछे चल के ही टर्न लेते हैं यहाँ से। ये देखो भाई इग्निस ना क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी इधर राइट साइड आने की, बट एक्चुअली मैं अपनी लेन पे सही चल रहा हूँ, मैं राइट साइड पूरा दबा के लाया हूँ, तो मैं तो अपनी लेन से नहीं हटूंगा, आराम से बलेनो के पीछे पीछे ही निकालूंगा और ड्राइव करूंगा। लेफ्ट साइड से एक डिज़ायर भी मर्ज हुई आके, और ये देखिए सेकेंड गियर लगाया और सिंपली एक्सेलरेशन देंगे। अब हम क्या है अपने ओवरवीएम पे देखेंगे, अगर लेफ्ट साइड कोई व्हीकल नहीं आ रहा तो हम इजिली जो है लेफ्ट साइड जाके बलेनो को क्रॉस कर सकते हैं। और ये देखो भाई क्रॉस कर दिया मैंने, है ना, तो इस तरह से जो है हमने बलेनो को क्रॉस कर दिया। और उसके बाद फिर से राइट साइड आ जाएंगे, लेफ्ट साइड से बस आ रही है, स्पीड कंट्रोल करते हुए सेकंड गियर लगाया, हॉर्न करेंगे और निकलेंगे। ये देखो भाई बस पास आ गई थी ना, तो इस तरह से क्लच थोड़ा दबाते हुए रिलीज करते हुए आएंगे। आप कॉम्बिनेशन देखो कि जब मैं क्लच रिलीज करता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सेकंड गियर पे कम स्पीड पे मैं उठा रहा हूँ, तो हल्का सा एक्सेलरेशन ज़्यादा देता हूँ ताकि मेरी गाड़ी झटके ना खाए और प्रॉपरली उठ जाए और गाड़ी बंद ना हो। अब यहाँ से एक्सेलरेशन देंगे और सिंपली आगे चलेंगे इसी तरह से। तो अभी जो है क्रेटा के पीछे ही इसको फॉलो करेंगे। आप देखो कि अगर ट्रैफिक ना आगे सेम स्पीड से चल रहा है और आगे वाला बंदा जो है आपके ड्राइव कर रहा है अच्छे से, मतलब सेम स्पीड फॉलो कर रहा है, तो फिर आप स्पीड मेंटेन करते हुए उसके पीछे चल सकते हैं। अगर लेफ्ट साइड थोड़ा ट्रैफिक मुझे दिखता कि हाँ खाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुड़ सकते हैं, तो मैं फिर ज़रूर लेफ्ट साइड जाके ओवरटेक करता, बट ट्रैफिक उधर भी उतना, बाइक स्कूटी वगैरह चल रहे हैं ना, तो वो सेफ नहीं है। ठीक है, जब तक मुझे लगता नहीं है कि हाँ प्रॉपरली सारी सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग है, तभी मैं उसको ओवरटेक करता या उधर से क्रॉस करता। जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है तब तक मैं ओवरटेक के लिए नहीं सोचता हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है। ठीक है, जब तक आपको अंदर से मतलब लगे नहीं कि हाँ ठीक है पूरा सेफ जोन है, यहाँ से ओवरटेक कर सकते हैं, तभी आप ओवरटेक करो, अदरवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रोड पे ड्राइव करते टाइम आपको एक बहुत चीज़ ध्यान देनी है कि भाई आपको अपना लेफ्ट और राइट साइड का जजमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए आपका लेफ्ट और राइट टायर जो है कहाँ पे मूविंग है। अगर आपको वो अभी तक नहीं पता है तो उसके ऊपर मैंने प्रॉपरली बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, उनसे कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा लेफ्ट और राइट टायर कहाँ चल रहा है। फिर हम इजिली जब ड्राइविंग कर रहे हो तो हम इजिली जजमेंट कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि कहाँ हमारा मूविंग है, उससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। अब देखिए जैसे मुझे पता है कि मेरा लेफ्ट वाला टायर कहाँ चल रहा है, ये जो मिड सेंटर है, जो बिल्कुल डैशबोर्ड का मिड सेंटर है, वहीं पे मेरा लेफ्ट वाला टायर मूविंग रहता है, तो मुझे एक ईज मिल जाती है, एक आसानी हो जाती है कि मैं उस पॉइंट को इजिली देख के अपना लेफ्ट साइड का जजमेंट कर लेता हूँ, प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब देखिए आगे जो है फिर से रेड लाइट है, तो चाहे तो मैं लेफ्ट साइड टर्न करके भी जा सकता हूँ, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा आई होप, लेकिन उधर भी ट्रैफिक जो है मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि अगर मैं घुमटी से जाऊंगा तो भाई वहाँ भी जो है ट्रैफिक मिलना ही मिलना है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि आगे चलते हैं जरी चौकी की तरफ और वहाँ पे चलते हैं, वहीं से चलते हैं, वो ज़्यादा रूट बेटर रहेगा। थोड़ी देर में जो है लाइट ग्रीन हो जानी चाहिए, फिर हम जो है आगे की तरफ चल देंगे स्ट्रेट अवे। अब देखो ट्रैफिक इतना मिल रहा है कि भाई सिग्नल्स पे इतना जाम लग रहा है, और ये देखो ई रिक्शा कितने सारे आपको दिख रहे हैं, देख रहे हो, और इनसे बड़ा बचा के चलना पड़ता है, क्योंकि भाई ये ऐसे बिल्कुल चिपका चिपका के चलाते हैं, इतना पास चलाते हैं, इतनी पास आपके चिपका चिपका के चलाएंगे कि आपको डर लगेगा, क्योंकि इनका क्या है, इनका तो कुछ नहीं भाई, लोहे का पार्ट है, गाड़ी में छुआ ना तो स्क्रैच आना पक्का तय है। ठीक है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि स्क्रैच आएगा तुरंत। तो भाई सिग्नल का ही वेट कर रहे हैं, मुझे यहाँ से विजिबल है एक लाइट दिख रही है जो कि रेड है, तो जैसे ही लाइट जो है ग्रीन होगी फिर हम आगे के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे सिग्नल खुल जाना चाहिए था क्योंकि इतनी पीछे तक गाड़ियाँ लगी है ना, तो
उससे पता चलता है कि सिग्नल थोड़ी देर से रुका हुआ है, तो जल्दी आगे बढ़ जाना चाहिए। तो गाइस सिग्नल जो है ग्रीन हो चुका है, मुझे दिख गया है। तो अब क्या करेंगे, गियर मैंने डाल लिया है, ठीक है, क्लच पूरा प्रेस है, हैंड ब्रेक डाउन कर दिया है। अब धीरे धीरे ये देखिए क्लच रिलीज करेंगे और आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हमें स्पेस मिलता जाएगा। उतना डिस्टेंस रख रहा हूँ जितना मुझे लग रहा है कि हाँ सेफ है ई रिक्शा से आगे, उतना डिस्टेंस क्रिएट करते हुए अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी ट्रैफिक ना, सिग्नल अभी अभी ग्रीन हुआ है, तो भाई धीरे ही धीरे जो है ट्रैफिक मूव हो पाएगा, तो उसी के हिसाब से हम भी आगे बढ़ेंगे। तो ये देखो यार, निकलते हैं धीरे धीरे यहाँ से आगे। लेफ्ट साइड भी ना ये ई रिक्शा वाला बहुत पास पास ला रहा है, तो इससे बड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चलना पड़ रहा है। अब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन होती है कि अगर आप बीच में हो, मिड लाइन पे हो, तो भाई आपको दोनों तरफ देखना पड़ेगा, ठीक है, आपको राइट साइड भी देखना पड़ेगा एज वेल एज लेफ्ट साइड भी देखना पड़ेगा, मतलब पूरी प्रॉपर देख के तब सिग्नल क्रॉस करना पड़ेगा, अदरवाइज तो भाई जाम लगने के पूरे आसार रहते हैं और हिट होने के भी, ठीक है। ये देख रहा हूँ, इधर राइट साइड भी देख रहा हूँ, लेफ्ट साइड भी देख रहा हूँ, तभी मैं निकल रहा हूँ। ओ भाई जाम जो बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। तो ये देखो यार, निकलते हैं और ये देखो राइट साइड आ गया मैं तुरंत, ताकि मैं अपना थोड़ा जजमेंट यहाँ बचा सकूँ, राइट साइड से मेरे कोई निकल नहीं पाएगा तो मुझे थोड़ा चलाने में आसानी हो जाएगी। अगर मैं मिड वाली लेन पर रहता ना, तो वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ पर फिर क्या होता है, आप अपने लेफ्ट साइड भी देखो राइट साइड भी देखो, प्रॉब्लम जो है बढ़ जाती है। और अगर आप एक नई बिगनर हो, तो फिर तो आपको और ज़्यादा परेशान हो जाओगे। तो ये कोई ऐसी ट्रिक है कि आप क्या करो, राइट साइड चलो, आपको अगर दिक्कत होती है तो ट्रैफिक में भी आप डिवाइडर के बिल्कुल चिपका के गाड़ी चलो, वहाँ से आपका थोड़ा जजमेंट भी बचेगा और आप थोड़ा सेफ साइड रहेंगे, सेफ जोन में रहेंगे। अगर आप थोड़ा चला लेते हो, फिर आप लेन जो है मिड वाली लेन पे या लेफ्ट वाली लेन पे भी ड्राइव कर सकते हो। सेकेंड गियर पे ही हूँ, स्पीड बिल्कुल ड्रॉप डाउन हो गई, अब फर्स्ट गियर पे आया हूँ और आगे चल रही है भाई थार, ब्लैक कलर की, अलग ही लगती है भाई, रोड प्रेजेंस ही अलग है थार का, मतलब दूर से पहचान में आ जाएगी और भाई बहुत अच्छी लगती है। अब ये देखो राइट साइड ना मेरे स्कूटी चल रही है, ये देखो, तो मैं क्या था कि मेरा डिस्टेंस थोड़ा दूर था डिवाइडर से, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल डिवाइडर के पास जा रहा हूँ, ताकि राइट साइड से कोई स्कूटी वगैरह मुझे क्रॉस ना कर पाए और मैं इस तरह से बिल्कुल चिपका के चलूँ आगे। ये देखो भाई आगे ना कितना ज़्यादा लोड ले रखा है अपनी बाइक पे, इतना ज़्यादा बंदा लोड ले रखा है कि आधा सामान तो उसका नीचे लटक रहा है। तो इस तरह से देखिए चलेंगे। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम स्पीड नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि आगे ट्रैफिक भी मूविंग है और वो उतनी स्पीड में नहीं है, जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम आ रही है। और ये देखो भाई धीरे धीरे स्पीड कर पा रहे हैं, मैं सेकंड गियर से जल्दी थर्ड गियर डाल नहीं पा रहा हूँ, जैसे ही थर्ड गियर डालता हूँ थोड़ी दूर चलाता हूँ, फिर से सेकेंड गियर लगाना पड़ जाता है। आगे जो है अपना जरीब चौकी चौराहा है, तो वहाँ पर भी ना भीड़ वगैरह रहती है, ट्रैफिक आपको बहुत मिलेगा वहाँ। तो अभी पूरा जरीब चौकी तक तो जो है हम कंटिन्यू करते हैं और दिखाता हूँ आपको। ये देखो ऑटो वाला उधर चल रहा है ना, इसको भी आपको डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इधर चलना है, क्योंकि ऑटो वाला ना कभी भी राइट साइड आ सकता है, और ये देखो आया, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस है बीच में इतना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये आपके बहुत पास लाता है तो आप ही थोड़ा ब्रेक लगा लो, क्योंकि भाई इनसे दूर ही रहो, ऑटो ई रिक्शा और ये सब, भाई ये ज़रा सा ना आगे वाला ऐसे निकालते हैं, पीछे वाला अपने आप ही निकल जाता है इनका। गाड़ी उठाते हैं, अब ये साइड में एक तो पार्किंग वगैरह लोग कर देते हैं, गाड़ी रोक देते हैं, तो भाई ये बड़ी दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। और ये देखो इतना ज़्यादा भाई लोड ले रखा है अपनी बाइक पे, इतना ज़्यादा सामान है कि डिफिकल्टी तो होगी भाई, अगल बगल से अगर कोई निकला तो भी दिक्कत हो जाती है। तो ये देखो अब ऑटो जा रहा है आगे, इसको हॉर्न करते हैं और फिर चलते हैं आगे। फिर से सेकेंड गियर पे आ गया हूँ भाई, स्पीड कर ही नहीं पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे थर्ड गियर पे पहुंचते हैं, फिर से वही कंडीशन आ जाती है कि फिर से हमें सेकंड गियर पे आना पड़ता है। ये देखो भाई ई रिक्शा देखा कितना बगल से निकालता है यार ये लोग, इनको बड़ा देखना पड़ता है भाई। तो थोड़ा हॉर्न करते हैं और आगे निकलते हैं, और भाई इससे पहले क्रॉसिंग बंद हो ना। सो गाइज अभी फटाफट से जो है जरी चौकी क्रॉस करते हैं, मैंने साइड में इसलिए रोक दिया क्योंकि भाई मेरे कैमरे की ना चार्जिंग बिल्कुल लो हो गई थी, रिकॉर्डिंग जो है उसमें स्टॉप लिख के आ गया था, तो मैंने फटाफट से जो है उसमें केबल इंसर्ट करी है, क्योंकि अभी थोड़ा सा मतलब कंटिन्यू करते हैं आगे, जैसे ही मैं क्रॉस कर लेता हूँ ये, क्योंकि ये देखिए सिचुएशन बड़ी ख़राब होती है, क्रॉसिंग भी है, इतने सारे ई रिक्शा चल रहे हैं, हम भाई यहाँ पे हमें अगर कोई गाड़ी देगा ना चलाने को, हम बड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, हमें राइट भी देखना है, लेफ्ट भी देखना है, फ्रंट में भी देखना है,
तो ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट होता है हमारे लिए। तो आपको ऐसे पॉइंट पे कैसे ड्राइव करना है कि आपको सबसे पहले तो बहुत कॉन्फिडेंस होकर ड्राइव करना है, आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप आराम से ड्राइव करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, जजमेंट नहीं हो रहा। थोड़ी गाड़ी दूर खड़ी करो, सेफ पॉइंट रखो, ठीक है, लेफ्ट साइड से निकल रहा है उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करो। हालांकि जो निकल रहा है वो भी ऑलरेडी डिस्टेंस मेंटेन करता है, बट आप एज अ अपनी सेफ्टी पर्पज से आप क्या करो, थोड़ा डिस्टेंस और ज़्यादा मेंटेन करो, और थोड़ा जगह आप ज़्यादा लोगे लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से ड्राइव कर लोगे। तो अभी देखिए जैसे ही ये सिग्नल जो है खुलता है उसके बाद हम लेफ्ट साइड जाएंगे। अभी मुझे जाना तो लेफ्ट साइड है, बट एक्चुअली ट्रैफिक इतना ज़्यादा आ गया है आगे कि लेफ्ट साइड टर्न अभी नहीं हो पाएंगे, तो मैं लेफ्ट का इंडिकेटर यहीं से दे देता हूँ। जैसे ही जगह मिलेगी हम धीरे धीरे जो है लेफ्ट साइड दबाते हुए अपनी गाड़ी ले जाएंगे और लेफ्ट साइड का टर्न लेंगे और आगे हम कंटिन्यू करेंगे घुमटी तक। तो देखिए जैसे जैसे ई रिक्शा आगे बढ़ता है ना, फिर हम भी अपनी गाड़ी बढ़ाएंगे। ये देखिए आगे जो बस थी वो बढ़ गई है, तो अब आगे जो है गाड़ियाँ बढ़ेंगी, तो हम भी देखिए धीरे धीरे जो है अपनी कार को बढ़ाएंगे, हल्का हल्का एक्सेलरेशन रिलीज करेंगे, ऑन करेंगे। और ये देखो भाई इंडिकेटर हमने ऑलरेडी दे रखा है लेफ्ट साइड का, तो धीरे धीरे जो है मर्ज होंगे लेफ्ट साइड की तरफ। ई रिक्शा चल रहा है भाई, तो ये तो मर्ज नहीं होने देगा मुझे, ठीक है, ये निकल जाएगा, उसके बाद ही मैं टर्न ले पाऊंगा। तो देखते हैं, ये निकल जाता है उसके बाद ही टर्न लेते हैं, नहीं तो मैं आगे से भी रुक गया रुक गया रुक गया भाई, वो रुक गया, मैंने गाड़ी थोड़ी ना लेफ्ट साइड दबा दी तो वो रुक गया। तो देखो अब यहाँ से हम धीरे धीरे निकल जाएंगे भाई, लोग इतने धीरे धीरे क्रॉस कर रहे हैं ना, ये देखो भाई देख रहे हो कैसे खड़ी कर देते हैं कि सिर्फ एक कार ही निकल पाए इधर बीच से, इधर इधर ऑटो खड़ी कर दी, उधर ऑटो खड़ी कर दी, बड़ी ट्रैफिक की समस्या रहती है यार यहाँ कानपुर में। तो देखिए इस तरह से जो है हमने ट्रैफिक में ड्राइव करा, और मैंने आपको पूरा ड्राइविंग ट्यूटोरियल दिखाया कि किस तरह से हम ड्राइव कर सकते हैं ट्रैफिक में। सो गाइस आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सो गाइस आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे टिप्स बताए हैं ड्राइविंग से रिलेटेड, जिसको आप यूज करके अपनी ड्राइविंग जो है एनहांस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, और आपको एक आइडिया मिला होगा कि किस तरह से हमें जो है ट्रैफिक में ड्राइव करना है, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करते हुए ड्राइविंग कैसे करनी है। ठीक है, ड्राइविंग जो है टोटली डिपेंड रहता है कि किस तरह से आप ड्राइव करने वाले हो, किस तरह से मतलब आप ऑब्जेक्ट को देख के कैसे रिएक्ट करने वाले हो, कई बार वो उस पर डिपेंड होती है। तो आई होप आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ टिप्स आप फॉलो करेंगे जिसके जरिए आप इम्प्रूव कर पाए अपनी ड्राइविंग। ठीक है, सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो आज का तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।